असलम दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स ईटा पी एस टी का ये 22nd में 2022 को वाला पेपर है इसके इंग्लिश ग्रामर एम सी क्यूज को सॉल्व करते हैं अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीदीज आपको मिलती रहा करें तो चलिए शुरू करते हैं आई विल फाइट यू विद बोथ नेल द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द देंटेंस ये अंडरलाइन पार्ट है विद बोथ एंड नेल ये एडवर्बियल फ्रेज मेन क्लास प्रिडिकेट या वर्ब फ्रेज ये क्या चीज है अब देखें इसमें वर्ब तो कोई नहीं है ये वर्ब फ्रेज नहीं है प्रिडिकेट ये नहीं है चूंकि आई सब्जेक्ट है विल फाइट यू ये प्रिडिकेट है तो मेन uh, क्लास भी ये नहीं है और ये ये देखें आप, आप देख सकते हैं कि आई विल फाइट फाइट हाउ कैसे फाइट करूंगा विद बोथ टूथ एंड नेल बहुत टूथ और नेल से मैं आपसे फाइट करूंगा हाउ का ये जवाब दे रहा है तो ये फाइट ये वर्ब है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है इट मीनस ये क्या है एडवर्बियल फ्रेज है राइट आंसर ए आ जाएगा यू में रिलाय डैश आवर डूइंग आवर मोस्ट चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन इसमें हमने प्रपोजिशन लगानी है यू में रिलाय ऑन रिलाय के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन ऑन यूज होता है तो राइट आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा एज जेंटल एज ए डैश कम्प्लीट दिजन तो ये जो है ना इडियोमैटिक कम्पेरिजन क्या है एज जेंटल एज ए लैम्ब इतना जेंटल जितना के लैम्ब ये यहाँ पे आंसर है द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज नो शूज द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ अब देखें जो शू बनाने वाला होता है ना जूते बनाने वाला उसको काबलर कहते हैं तो उसके बच्चे के पास जूते नहीं होते इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्सपर्टीज होती है उससे आपके क्लोज वंस जो है ना वो फायदा नहीं उठाते तो ये एक आयरनी है आयरनी का मतलब ये होता है ना कि आप जो बात कर रहे होते हैं आपका वही मतलब नहीं होता आपका डिफरेंट मतलब होता है तो द चाइल्ड ऑफ काबलर हैज नो शूज उसके बच्चे के पास शूज तो होते हैं लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती आपके क्लोज वंस आपकी एक्सपर्टीज से फायदा नहीं उठाते तो राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा नेक्स्ट है ही हैज प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इन टू डेप्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड प्रोपेंसिटी क्या होता है कि दैट इज करेक्टरिस्टिक क्वालिटी नेचुरल टेंडेंसी या तो उसकी क्या है कि नेचुरल टेंडेंसी है फॉर गेटिंग इन टू डेट कर्ज में धंसने की उसकी क्या है नेचुरल टेंडेंसी तो राइट आंसर यहां पे सी आ जाएगा द सीक्रेट वॉज नाउन बाय फ्यू द अंडरलाइन वर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यू ये क्या है इंडेफिनेट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो फ्यू वन सम एनी समथिंग एटसेट्रा ये सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन्स होते हैं इसमें कोई चीज आपको जो आपका प्रोनाउन होता है वो डेफिनेट नहीं होता क्लियर नहीं होता राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा मे गॉड ब्लेस अस ऑल विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव ऑप्टेटिव या नेगेटिव तो ये द्वाइयास सेंटेंस है मे गॉड ब्लस ऑल ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है राइट आंसर सी होगा ये गॉट हर नंबर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंफिनेटिव इंटरजेक्शन डिटर्मिनर आर्टिकल तो ये ये ही जो वर्ड है आपकी स्ट्रांग फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करता है तो ये क्या है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन ओ हुर्रा यी इस तरह के वर्ड जो होते हैं तो ये इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल होते हैं बी आंसर होगा Maria is a person whose family owns a cattle farm. The underlined part of the sentence is noun phrase, relative class, adverb class, and pronoun class. to Maria is a person, Wo ek person hai whose family owns a gentle farm. कैटल फार्म यहाँ पे रेफर कर रहा है मारिया की तरफ रेफर बैक कर रहा है तो जब रेफर बैक करता होता है ना वो रेलेटिव क्लास होता है रेलेटिव क्लास से मुराद होती है कि वो समथिंग दैट रेफर्स बैक पीछे रेफर कर रहा है हुज फैमिली यानी कि मारिया की फैमिली तो ये रेलेटिव क्लास की एग्जाम्पल है शी टू शी सेड टू मी आई एम रीडिंग अबाउट पोलिटिक्स दीज डेज अब देखें शी सेट टू मी को शी टोल्ड मी कर लेंगे दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट शी है तो शी आई एम शी वाज रीडिंग अबाउट पॉलिटिक्स दिस डेज दोज डेज तो ये सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं शी टोल्ड मी दैट शी वाज रीडिंग अबाउट पॉलिटिक्स दोज डेज इसमें दिस डेज आ रहा है और पहले में आप देख रहे हैं कि शी हैज आ रहा है और दूसरे में शी वाज रीडिंग अबाउट पॉलिटिक्स दोज डेज आ रहा है यहां पे तो ये जो राइट right आंसर है वो सी आ जाएगा यहां पे डू यू लाइक सेलिंग द लेक द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द देंटेंसिस एजेक्टिव क्लास रेलेटिव क्लास मेन क्लास या जरेंट क्लास अब देखें एजेक्टिव तो ये नहीं है किसी नाउन या प्रोनाउन को तो ये मॉडिफाई uh, नहीं कर रहा रेलेटिव क्लास भी नहीं है हु हुज़ वगैरह नहीं यूज हो रहा है यहां रेफर बैक नहीं कर रहा तो ये जो सेलिंग है ना या टू सेल sell या सेलिंग ये जेरेंड है टू सेल अगर हो तो वो इन्फिनेटिव होगा और सेलिंग यहाँ पे जेरेंड है ये वर्ब नाउन होते हैं सेलिंग ऑन द लेक यानी कि एज ए नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है तो जेरेंड जेरेंड फ्रेज है ये डू यू लाइक टू सेल या सेलिंग तो इस तरह की चीजें जो होती हैं तो वो क्या होती हैं दीज आर जेरेंड आर इन्फिनेटिव तो ये जेरेंड है चूंकि आई एन जी के साथ जेरेंड होता है तो राइट आंसर डी आ जाएगा द वर्ड एंटीपैथी इज एंटानिम टू एंटीपैथी जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओपोजिशन किसी की आप मुखालफत करते हैं जबकि यहाँ पे इसका ओपोजिट क्या होगा एडमिरेशन, या एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट यहाँ पे ओपोजिशन का या एंटीपैथी का आपका आ जाएगा एंटोनिम तो डी यहाँ पे राइट right आंसर आ जाएगा दिस पेंट विल डैश एनी सरफेस वेदर रफ और स्मूथ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज दिस पेंट विल एडहेयर टू यहाँ पे हमने अंडरलाइन मीनिंग नहीं देखने बल्कि यहाँ पे एडहेयर के साथ हमने देखना है टू इन विद या फार क्या आएगा तो एडहेयर के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ना वो टू आता है दिस पेंट विल एडहेयर टू ए यहाँ पे आंसर होगा शी इज फिट डैश शी गोज रनिंग एवरी डे चूज द करेक्ट कंजंक्शन शी इज फिट वो फिट है क्योंकि शी गोज रनिंग एवरी डे चूंकि हर दिन वो दौड़ने के लिए जाती है इनऑर्डर टू एंड बिकॉज इन स्पाइट ऑफ तो ये बिकॉज जो है तो राइट right यहाँ पे कंजंक्शन uh, आ जाएगा इससे स्ट्रक्चर आपका सही बनेगा शी इज फिट वो फिट है क्योंकि वो जाती है बिकॉज शी गोज रनिंग एवरी डे सी यहां पर आंसर होगा यू सिट ऑन अ थ्रॉन ऑफ लाइज द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ You sit on a thrice, ये क्या है थ्रॉन ऑफ लाइज आप जो है तो एक थ्रोन ऑफ लाइज पे बैठे हुए इसका मतलब क्या है कि ये क्या है दिस इज एलिट्रेशन मेटाफर या इमेजरी तो देखे ना सिट ऑन ए थ्रोन ऑफ लाइज थ्रोन ऑफ लाइज से हम रात यहाँ पे ये है ना कि आप समथिंग इनटेजिबल को आप थ्रोन कह रहे हैं आप तख्त कह रहे हैं झूठ का तख्त तो ये मेटाफर की एग्जाम्पल है एक चीज को आप दूसरी करार दे रहे हैं तो राइट आंसर भी होगा When he returned, he was accompanied by a sprightly old lady. Choose the correct meaning of the underlying word. Sprightly ka matlab kya hai? Sportive, intelligent, lively or beautiful? To sprightly, lively. Full of life. See, yahan pe answer तो ये थे कुछ एम जो ईटा पी एस टी के ट्वेंटी सेकेंड मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के पेपर से उठाए थे बहुत शुक्रिया देखने के लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़